हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उन चार स्टॉक्स को जिसमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें यूएस मार्केट के बारे में तो आज भी यहाँ पे थोड़ी सी सेल ऑफ को देखा जा सकता है, जिसके बाद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेडिंग लेवल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन ADRs को यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ अभी के लिए एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, तो कल इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप इनमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें कल की तरह ही आज एक जबरदस्त गैप डाउन हमें देखने को मिला और बाद में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक ने अपने इंट्राडे लो के काफी करीब यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इन केस कल अगर आपको ये फ्लैट और इवन गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में, जिसमें आज हमें मोर देन 6.6% का एक फॉल देखने को मिला है। अभी इसके ऑर्डर बुक में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को यहाँ पे देखा जा सकता है और इवन आप इसके फ्यूचर साइड में इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 197 के नीचे कल यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप 194 और 192 पे यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ भी आज कल की तरह ही एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग हमें इस स्टॉक में देखने को मिला और बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की वजह से स्टॉक अपने इंट्राडे लो के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दे रहा है। तो कल इस स्टॉक में फर्दर एक डिक्लाइन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे मार्केट हमें काफी ज्यादा यहाँ पे बियरी साइड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय इंफ्राटेल के बारे में, जिसमें आज अराउंड 4.7% का एक फॉल हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। अभी इसके ऑर्डर बुक में भी एक सेलिंग प्रेशर को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके वजह से कल ये स्टॉक आपको यहाँ पे 180 के नीचे यहाँ पे ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर आप इसके फ्यूचर लेवल से इसके ट्रेंड के बारे में पता करना चाहें तो यहाँ भी आपको सेलिंग साइड पे एक ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कल के लिए अपना सेल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे 180 के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है और आप यहाँ पे 177 और 175 पे अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही चैनल के साथ अप टू डेट रहना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम तीसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल के गिरावट के बाद आज एक अच्छा रिकवरी हमें इसमें देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने दिन के हाईएस्ट लेवल पे अपना यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल अगर आपको ये ऐसे ही फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो इसमें ये बाइंग मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रोवाइडेड ये अगर 515 के लेवल को यहाँ पे अगर ओपनिंग के वक्त यहाँ पे अचीव करता है तो उस सिनेरियो में आपको इसमें 1-2% तक एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है, अदरवाइज आप बाइंग यानी लॉन्ग पोजिशन के लिए इस स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सन फार्मा के बारे में, जिसमें आज आपको अराउंड 2% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। अभी के लिए इस स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर को यहाँ पे देखा जा सकता है और इसके फ्यूचर लेवल्स में हम इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको कल इसमें 515 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है, उस सिनेरियो में आप 520 और 522 पे इसमें अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आखिरी स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ आपको एक डिक्लाइन आज के ट्रेडिंग आवर्स में देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से कंटिन्यूस सेल ऑफ यहाँ पे स्टॉक पे काफी हावी होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये स्टॉक कल 148 के नीचे यहाँ पे 47 के नीचे अगर आपको ये ओपन होता हुआ दिखाई दे और नीचे इस लेवल पे ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप इसमें अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है मन्नपुरम फाइनेंस। जैसा कि आज हमने आज के सुबह के वीडियो में आपको बोला था कि इसकी जो रेटिंग है उसे थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, यानी कि उसकी जो आउटलुक है उसे करंटली थोड़ा सा नेगेटिव बताया जा रहा है, जिसके चलते आज स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सेल ऑफ के चलते ये थोड़े से नीचे लेवल्स की ओर अपना ट्रेड जारी रख सकता है, जिसे आप इसके फ्यूचर लेवल से यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको 148 के लेवल्स को काफी इंपॉर्टेंस देना है
अगर यह इस लेवल के नीचे यहाँ पे ओपन होता है तो आपको 146 और 145 पे यहाँ पे दो टारगेट्स कल के ट्रेडिंग आवर्स में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में कोई इश्यू है तो आप उसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके एक वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में तो ये कल के वीडियो के मुताबिक काफी नीचे यहाँ पे आज ओपन हुआ, लेकिन बाद में दिन भर इसमें वोलेटिलिटी रहने की वजह से इसने फाइनली यहाँ पे 11,174 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसे डेली कैंडल के बेसिस पे देखना चाहें तो अभी भी यहाँ पे एक भारी डाउन ट्रेंड को देखा जा सकता है, और आज ग्लोबल मार्केट आज यहाँ पे फ्लैट रहने की वजह से कल आपको इसमें एक कंसोलिडेशन नीचे की ओर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसे अगर आप वीकली ऑप्शन चेन डेटा से समझना चाहें तो यहाँ आपको इसके पुट लेवल्स में 11,100 और 11,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉल साइड में 11,200 पे एक कॉल राइटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर ये कल अपने आज के क्लोजिंग लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको अगला जो रेजिस्टेंस है वो 11,200 पे दिखाई दे सकता है, और नीचे के साइड में हम 11,100 को यहाँ पे अगला सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिमिलरली काफी नीचे एक ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन इसमें निफ्टी के मुकाबले ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहने की वजह से इसने अपने ओपनिंग लेवल से काफी नीचे यहाँ पे 21,185 पे अपना क्लोजिंग दिया है। डेली कैंडल्स पे अभी भी यहाँ पे एक भारी डाउन साइड रिस्क को यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि ये अपने सभी एम लेवल से काफी नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन कल भी यहाँ पे ओपनिंग के वक्त हमें देखने को मिलता है तो आपको इसमें कोई भी फ्रेश लॉन्ग एंट्री लेने से अवॉइड करना है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा से इसके ट्रेंड को समझना चाहें तो यहाँ पे 21,000 का लेवल काफी क्रूशियल हमारे लिए दिखाई देता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 7,98,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी ओपन होते वक्त हम 21,000 को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये कल टूटता हुआ दिखाई दे तो आप अगला जो सपोर्ट है नीचे 20,500 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। कॉल साइड में यहाँ पे 21,000 का लेवल हमारे लिए काफी चैलेंज यहाँ पे पैदा कर सकता है, क्योंकि इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे एक बात क्लियर है कि अगर ये 21,000 के नीचे यहाँ पे ओपन होता है तो 21,000 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अदरवाइज अगर ये 21,000 के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है और इसे सस्टेन करने में ये अगर कामयाब रहता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 21,500 के लेवल्स पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज इस लेवल पे अराउंड 7.91 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए कल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इसे आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में भी काफी आसानी हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल पे आपको ऑल को सिलेक्ट करना है ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।